पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। आज का समय किसानों के कष्टों में सहभागी बनने का है। एक तो कोरोना और कारिंदों के कष्टों से कष्ट में किसान, और प्राकृतिक प्रकोपों ने भी उसको कर दिया हैरान। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में तमाम प्रतिकूलताएं, पुलिस और प्रशासन के भय के बाद भी इस देश का, प्रदेश का अन्नदाता अपने कर्म में लगा रहा। और कितनी बड़ी बात है कि इन सब के बाद भी उसने अपने परिश्रम से रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदा की। कोई भी फसल हो, अधिकांश फसलें रिकॉर्ड तोड़ हो, पिछले रिकॉर्ड तोड़े। सरकार ने भी खरीदने में कोई कोर कसर नहीं रखी, लेकिन रिकॉर्ड खरीदी भी हुई, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इस बीच में चाहे बड़ी मंडियां हो, छोटी मंडियां हो, समय पर तुलाई नहीं हो पाना, नंबर नहीं आना, मैसेज टाइम पे नहीं मिलना, यह इतनी विसंगतियां हुई, इससे उसको भारी कष्ट हुए। और यह व्यवस्था का दोष नहीं, यह वेदना और संवेदना का विषय है। उस किसान के कष्टों में कारिंदे कभी सहभागी नहीं हो पाते। सबकी स्थिति नहीं है ये, लेकिन अधिकांश की स्थिति यही है। आज तक के समाचार हैं, दर्जनों स्थान ऐसे हैं और प्रदेश के प्रत्येक जिले के किसी न किसी अंचल में कारिंदों की करतूतों से किसान परेशान है। यह तो विषय चल ही रहा था, अब प्राकृतिक आपदा का विषय आ गया, समय पूर्व मानसून आ गया, बेवजह बारिश आ गई, खुले में अनाज है कई स्थानों पर, तौल पूरी नहीं हो पाई, कहीं खलियानों में कहीं ट्रॉली में उसका अनाज भरा पड़ा है। यह बात सही है कि सरकार के कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने एक अच्छा ठोस आश्वासन दिया है कि संकट में उनके साथ खड़े हैं और जिन भी किसानों को जिस प्रकार की हानि होगी प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार की नीति और नियत पर संदेह नहीं है और किसान भी तमाम कष्ट उठाते हुए अपने कर्म करने में लगा हुआ है, यह उसने दिखा दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उस बात तक नीचे तक पहुंचे। यदि कोई भी विषय है, कभी कभी कई जगह से आता है समाचार की मैसेज इस प्रकार के आ गए, आने के बाद दो दिन बाद तौलना, ये सब परेशानियां तो अपनी जगह थी। उसको अभी इस आपदा की घड़ी में आप उसके साथ जुड़ के जो भी उसके प्रति सद्भाव रखते हुए जो भी उसको सहायता या जिसको कहना चाहिए कि तात्कालिक सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, उसमें कारिंदों की कारगुजारियों के प्रति आपको कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि जो वेदना और संवेदना सरकार में है, जो आवश्यकता किसान को है, उसमें आग्रह करूंगा हमारे सभी सुधी पाठकगण, शुभचिंतक, हितचिंतक, कि किसान के कष्टों का कोई भी विषय प्रदेश और देश में आपके संज्ञान में आए उसको ध्यान में लाइए, क्योंकि किसान के कष्टों में सहभागी बन उनका निदान करना ही ईश्वरीय कार्य है, पत्रकारिता की सार्थकता है। धन्यवाद। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।